अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल DEF सच दैट लाइन सेगमेंट DE आपको जो है वो 8.7 सेंटीमीटर दिया हुआ, लाइन सेगमेंट EF आपको 4.3 दिया हुआ, एंगल E जो है वो आपको 45 डिग्री है दिया हुआ, ठीक है। अब देखिये यहाँ पे आपके पास जो है वो दो साइड्स दिए हुए और एक एंगल है, और दो साइड्स आपके पास किस तरीके से हैं ये देखिए, दोनों साइड्स में आपके पास जो है ई आ रहा है, ठीक है, ये ई पॉइंट आपके पास आ रहा है और आपके पास जो एंगल है वो भी आपके पास एंगल ई दिया हुआ है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू केस 2 अगर आपके पास दो साइड्स हो और इंक्लूडेड एंगल हो तब आप किस तरीके से जो है वो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये केस 2 से रिलेटेड सवाल है आपके पास। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है वो दो मेजरमेंट्स दिए हुए, अब आप जो है वो इनमें से जो सबसे बड़ा मेजरमेंट होगा वो आप जो है वो एज अ बेस यहाँ पे ले सकते हैं जो कि है 8.7, ये देखिए यहाँ पर है आपके पास ये 8, 8.5, 8.6 एंड 8.7, ठीक है, दो डिविजन और ले लेंगे आप 5 के बाद। इनको थोड़ा यहाँ पे जो है वो डॉट लगा देंगे आप इस तरीके से और ये लिख देंगे आप 8.7 सेंटीमीटर और ये लाइन सेगमेंट है आपके पास DE, ठीक है। अब आप जो है वो उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप एंगल ई जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जो कि है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे इसको रख के 45 डिग्री देख लेंगे, ये देखिए ये रहा 40 एंड 5 डिविजन्स, ये आ गया 45, ठीक है। इस तरीके से ये आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये आ गया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। यहां लिखेंगे आप एट पॉइंट ई, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल XED और 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपने 45 डिग्री का एंगल जो है वो ई पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपके पास है लाइन सेगमेंट EF जो कि है 4.3 सेंटीमीटर का, ये 4 के बाद जो है वो आपने 3 डिविजन्स ले लिए, इसके ऊपर ये कंपास रख दिया आपने और यहाँ आपने जो है वो इसको इस तरीके से 0 पे रख के मेजर कर लिया। अब देखिए यहां पर आपके पास है ENF, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है आपके पास ENF, तो आपने जो है वो यहीं पे रखना है इसको ई पॉइंट पे और इस तरीके से एक आर्क लगानी है। जब आप ये आर्क लगा देंगे और ये कितने सेंटीमीटर की आपने लगाई है, 4.3 सेंटीमीटर, यहीं पे जो है वो आप इसको ऐड कर देंगे, विद सेंटर ई, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ सेंटर ई
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर विच कट्स रे ई एक्स। ठीक है, आपने ये आर्क इस तरीके से लगाई जो इस ई एक्स रे ई एक्स को जो है वो कट करेगा एक पॉइंट पे, और किस वो पॉइंट कौन सा होगा, एट पॉइंट एफ। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपका पॉइंट एफ हो जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस डी पॉइंट से जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन ई टू एफ और एफ टू ई। ठीक है, हेंस ट्राइंगल डी ई एफ इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।